गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 14 कंपटीशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू मेन इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस फ्रेम किए फर्स्ट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 और उसके बाद इस एक्ट को आगे जाके खत्म कर लिया गया और उसकी जगह फ्रेम किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 और इन एक्ट्स को फ्रेम करने का जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट कंपटीशन इन हेल्दी कंपटीशन अगर बिजनेस यूनिट्स के बीच में होगा इकोनॉमी में मार्केट में तो वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है कंज्यूमर्स का उसको प्रमोट करेगा और वो हेल्पफुल होगा इन चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कंट्री की वो फ्यू हैंड्स में कंसेंट्रेटेड ना रहे उसके लिए इस कंपटीशन एक्ट को बनाया गया कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक पावर का मतलब क्या होता है कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक पावर का मतलब होता है कि इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इनकम एम्प्लॉयमेंट मींस ऑफ प्रोडक्शन इन सब के ऊपर जो कंट्रोल है वो फ्यू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के पास है उसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर तो जो इकोनॉमी है उसमें कंसनट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो इसके लिए ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है टू टू का ये बनाया गया इस ऑब्जेक्टिव के साथ 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन को एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है एक्ट जो है 1969 में उसे पास किया गया फिर दिसंबर 2002 में गवर्नमेंट ने पास किया कंपटीशन एक्ट टू को और जो ये एमआरटीपी एक्ट था 1969 का उसे खत्म कर दिया गया जो एमआरटीपी कमीशन बनाई गई थी अंडर एमआरटीपी एक्ट उसे भी डिसॉल्व कर दिया गया और एट प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एमआरटीपी एक्ट एक नया एक्ट जो है वो फ्रेम किया गया है जिसे हम जानते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के नाम से देन इस uh, जो एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला प्रीवेंट करना उन प्रैक्टिसेस को जिनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन पर टू प्रमोट कंपटीशन इन दी मार्केट्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडियन मार्केट्स प्रिवेंट करना अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को इन दी मार्केट्स रेगुलेट करना ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज कॉम्बिनेशन की जिसमें आते हैं. Then, जो हैं के, वो क्या हैं ये एक कॉम्पैक्ट और स्मॉलर लेजिस्लेशन है जिसमें सिर्फ 66 सेक्शंस हैं देन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर दिस एक्ट ये रिस्ट्रिक्ट करता है एग्रीमेंट्स जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है

करें किसी भी सूट को जो आता है विद इन दी प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट कंपटीशन फंड इस एक्ट के अंडर क्रिएट किया गया और इस एक्ट में पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं देन नेक्स्ट इज कंपटीशन एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता फॉलोइंग केसेस में वो एप्लीकेबल नहीं होता है वो कौन कौन से हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैंक्स वेंचर कैपिटल फंड्स, एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सच सचेस्ट ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स कॉपी राइट एक्सेट्रा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम कर सकती है किसी भी क्लास ऑफ एंटरप्राइजेस को फ्रॉम दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और इन पब्लिक इंटरेस्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस सबसे पहले हम देखते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री जो भी सारे एग्रीमेंट्स हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑन कंपटीशन इन इंडिया वो क्लियरली डिक्लेअर किए जाएंगे एज वॉइड एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें वो एग्रीमेंट इंक्लूड होते हैं जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इंडायरेक्टली डिटरमाइन कर रहे हैं परचेज या सेल प्राइस लिमिट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन को सप्लाई को टेक्निकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को शेयर कर रहे हैं मार्केट को बाय वे ऑफ एलोकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया या फिर टाइप ऑफ गुड या टाइप ऑफ कस्टमर जैसे स्मॉल सेलर्स जो है अगर वो आपस में एग्री करके डिवाइड कर लेते हैं जियोग्राफिकल एरिया या कस्टमर्स या टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर सेल अमंग अमंगस ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है मेनू कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ बडिंग को टाई टाई इन अरेंजमेंट है जहा पर जो एग्रीमेंट हुआ है कि जो परचेजर है गुड का उसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये चीज परचेज करेंगे तो इसके साथ में आपको दूसरी चीज भी परचेज करनी पड़ेगी या कोई एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है परचेजर को कि वो परचेज नहीं कर सकता किसी और सेलर या सप्लायर से देन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है प्रोड्यूसर या सप्लायर को कि वो सेल नहीं कर सकता किसी और पर्सन को इन अ पर्टिकुलर मार्केट एरिया देन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का कोई एग्रीमेंट हुआ है जैसे एक एग्रीमेंट कि आप गुड सेल नहीं कर सकते और उसके ऊपर आपने ये कंडीशन लगा दी कि जो प्राइजेस आप चार्ज करोगे ऑन रीसेल जो परचेजर चार्ज करेगा वो एक स्टिपुलेटेड प्राइस जो सेलर ने है उससे कम का नहीं हो सकता तो अगर ये सब चीजें हैं तो वो सारे एग्रीमेंट्स डिक्लेयर किए जाएंगे एज वॉइड देन नेक्स्ट है आता है आपका एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन फोर डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ की पोजीशन जो एक एंटरप्राइज एंजॉय कर रही है इन द रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया जो उसे हेल्प कर रही है टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव फोर्सेस या वो इफेक्ट कर सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स या कंज्यूमर्स को इन इट्स फेवर तो जो टॉमिनेंट पोजीशन है वो डिसाइड की जाएगी कीपिंग इन व्यू की मार्केट शेयर क्या है और साइज क्या है एंटरप्राइजेस का तो जो ये है इस केस में किस चीज को आप एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मानेंगे? अगर एक एंटरप्राइज इम्पोज कर रही है अनफेयर कंडीशंस ऑन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज या लिमिट कर रही है या रिस्ट्रिक्ट कर रही है प्रोडक्शन को और टेक्निकल डेवलपमेंट को या डिनाई कर रही है मार्केट एक्सेस सर्टेन पर्सन को तो इसको एब्यूज माना जाएगा डोमिनेंट पोजिशन का सेक्शन फोर क्लियरली कहता है कि कोई भी एंटरप्राइज एब्यूज नहीं करेगी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को और जो सिचुएशन है की या डोमिनेंट पोजीशन को वो बैड नहीं है कम इकोनॉमी के लिए लेकिन उसका एब्यूज नहीं होना चाहिए जो एब्यूज अगर आप करते हो का या डोमिनेंट पोजीशन का अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इकोनॉमी वो होता है और उसके लिए जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो अलाउ नहीं करता है में इंक्लूड करते हैं हम एक्वाजिशन को मोर्चर्स को और अमलगाशन को तो फॉलोइंग लिमिट अप्लाई होती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन जो है उसकी स्क्रूटनी होगी या नहीं होगी ये जो सभी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है रिसेंट जो डेवेलपमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग इस टेबल में इस चीज को कंपाइल किया गया है कि आपका जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है या ग्रुप लेवल पे हो रहा है तो एसेट्स अगर आपकी कितने अमाउंट से ज्यादा हैं या फिर टर्न ओवर कितने अमाउंट से ज्यादा है अगर उससे ज्यादा होता है तो उसको कॉम्बिनेशन की स्क्रूटनी uh, उसकी होगी या नहीं होगी वही चीजें यहां पर लिखी हुई है तो कोई भी एक्वाजिशन मर्जर या अल्गा जिससे जो कंबाइंड एसेट्स है वो हो जाती है मोर देन टू थाउजेंड करोड़ रुपीज और जो कंबाइंड हो जाता है टर्न ओवर वो हो जाती है उसकी वैल्यू सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज से ज्यादा तो वो अंडर स्क्रूटनी आएंगी और ये जो हम चीजें कर रहे हैं ये जो फोर्थ मार्च 2016 से जो चेंज हुई है लिमिट्स हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं ये जो ऊपर जो आपको लिमिट्स दी गई हैं थाउजेंड करोड़ और थ्री थाउजेंड करोड़ ये पहले वाली लिमिट्स है अब ये अप्लाई नहीं होती जो 16 के बाद की लिमिट्स है टू थाउजेंड करोड़ और सिक्स करोड़ ये अप्लाई होती है अगर आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया और जो जो हमने ऊपर किया फर्स्ट पॉइंट ये इन in इंडिया था नेक्स्ट है अगर आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया और कॉम्बिनेशन की वजह से जो आपकी कम्बाइंड एसिड है इन साइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया वो हो जाती है मोर देन वन बिलियन यूएस डॉलर और कंबाइंड टर्न ओवर हो जाता है आपका मोर देन थ्री बिलियन यूएस डॉलर तो उसे अंडर स्क्री लाया जाएगा देन अगर कोई एक्वाजिशन मर्जर या मलगामेशन हो रहा है इंडिया में बाय एन एंटरप्राइज जो पार्ट है ग्रुप का ग्रुप मीन्स टू आर मोर एंटरप्राइजेस जिसमें 50 परसेंट जो वोटिंग राइट right है वो दूसरी एंटरप्राइजेस के पास है और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट है जो दूसरी एंटरप्राइज की जैसे टाटा ग्रुप बिरला ग्रुप रिलायंस ग्रुप एक्सेट्रा अगर जो कंबाइंड एसिड्स हैं ग्रुप की वो हो जाती हैं मोर देन एट करोड़ और कंबाइंड टर्न वैल्यू हो जाती है ट्वेंटी करोड़ से ज्यादा तो वो अंडरस ग्रुप नहीं आएगी देन अगर कोई एक्वाजिशन मर्जर या मल्का है जो किया गया है एंटरप्राइज के द्वारा जो पार्ट है ग्रुप का या कोई बिजनेस जो वो कैरी आउट कर रही है आउटसाइड इंडिया तो अगर कॉम्बिनेशन की वजह से जो कंबाइंड एसिड है ग्रुप की वो फोर बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की हो रही है और कंबाइंड टर्नओवर ओवर ट्वेल्व बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का हो रहा है तो वो स्क्रूटनी में आएगी अगर एक बिजनेस यूनिट जो है अप्लाई करती है सीसीआई को फॉर कॉम्बिनेशन लेकिन सीसीआई से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ 210 डेज तो ये प्रेज़्यूम किया जाएगा कि जो सीसीआई है उसने परमिशन उस कॉम्बिनेशन के लिए दे दी है तो ये था हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई जो कंपटीशन एक्ट है उसने एक स्ट्रक्चररी बॉडी सेटअप की जिसका नाम दिया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसने टेक ओवर किया एमआरटीपीसी को और जो भी पेंडिंग केसेस है रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वो हैंडओवर कर दिए गए सीसीआई को मेन फीचर्स क्या है सीसीआई के सबसे पहला अपॉइंटमेंट सेक्शन सेवन जो चेयर पर्सन है और जो मेंबर्स है वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स सेक्शन एट सेक्शन वन जो कमीशन है उसमें एक चेयरपर्सन होगा और मिनिमम दो और मैक्सिमम सिक्स मेंबर्स होंगे क्वालिफिकेशन सेक्शन एट सेक्शन टू जो चेयरपर्सन है या फिर जो भी एवरी अदर मेंबर है वो पर्सन होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ नॉट लेस देन फिफ्टीन ईयर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक्स बिजनेस कॉमर्स लॉ मैनेजमेंट इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा देन टर्म सेक्शन टेन के अकॉर्डिंग जो चेयरपर्सन है हर, जो हर एक मेंबर है जो होल्ड करेगा ऑफिस वो करेगा फॉर फाइव इयर्स और अगर रीअपॉइंटमेंट uh, वो चाहता है तो उसके लिए भी वो एलिजिबल है। देन कोई भी पर्सन होल्ड नहीं करेगा ऑफिस अगर उसकी जो एज है वो 67 इयर्स हो जाती है इन केस ऑफ पर्सन और 65 फाइव इन केस ऑफ अदर मेंबर्स। रिमूवल सेक्शन 11 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिमूव कर सकती है पर्सन को या अदर मेंबर को अगर वो पर्सन और जो मेंबर है एज द केस में भी एडजस्ट Adjud होता है एज एन इंसॉल्वेंट इंगेज है किसी भी टाइम में ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस का विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देंट्रल गल टर्पटाइड एक्वायर किया है उसने किसी तरीके का फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट जो इफेक्ट प्री ज्यूडिशली करता है उसके फंक्शंस को एज अ मेंबर या उसने अब्यूज की है पोजिशन Uh, जब भी वो ऑफिस में था और उसकी वजह से जो उसका इंटरेस्ट है प्रोड्यूशियल uh, रहा है प्री था टू तो पब्लिक इंटरेस्ट देन uh, अगर वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो गया है टू एक्ट एज मेंबर एक पर्सन को आप रिमूव कर सकते हो अंडर क्लॉस डी और ई

इन कंडक्टिंग इंक्वायरी रिगार्डिंग कॉन्ट्रोवेशन ऑफ एनी ऑफ दिस एक्ट जो भी एवरी एडिशनल ज्वाइंट डेप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर एडवाइजर होगा वो फंक्शन करेगा अंडर दी सुपरविजन एंड डायरेक्शन जनरल नेक्स्ट जो हमारा है ड्यूटीआई सेक्शन एटीन इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच